بسم الله الرحمن الرحيم شروع الله کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم सिर्फ इतना है कि हमारी कुछ किताबें हैं जी, चांद पर जो आपका चेहरा दिखाया गया, लेकिन पहली बात तो है इतना बड़ा झूठ हम बोल नहीं सकते ना। अगर ये बात झूठी हुई तो कल हम तुम्हारे में कैसे खिताब कर सकेंगे, किस मुंह से आएंगे। हमने इसकी पूरी तहकीक करी है, आखिर में ये फोटो में आ गया है, कैमरे में आ गया है, कैमरे में आया, रसालों में आना शुरू हो गया। अब हम कहेंगे ये गलत है, फिर लोग हमको कहते हैं ये छुपाता है। हर सवाल तस्वीर आ गई है, क्यों आई है इसका हमको इलम नहीं है, किसने दी है इसका भी हमको इलम नहीं है, क्यों दी है इसका भी हमको इलम नहीं है। पहले लोगों ने देखी है, फिर हमको बताई है, फिर हमने देखी तो फिर हमको नजर आई, फिर हमने भी इकरार किया है ना। यहाँ एक सवाल होता है, ज्यादा लोग कहते हैं, बहुत से लोग देखते भी हैं, हमारे मुखालिफ भी देखते हैं, फिर वो ये कहते हैं कि हजूर पाक की शक्ल नहीं आई, गौस पाक की नहीं आई, इसकी क्यों आती है। भाई इसका जवाब तो अल्लाह दे सकते हैं, क्या खबर हजूर पाक नहीं लगवा दियो, इसके मतलब हम कुछ नहीं बताते। इतना जरूर बताएंगे कि जब हजूर पाक ने चांद को दो टुकड़े किया था तो कुछ लोगों ने कहा था ये जादू है। हजूर पाक ने फरमाया था चांद पे जादू नहीं हो सकता, इतना हमारा ईमान है कि जादू नहीं हो सकता। अगर कोई कहेगा कि ये जादू है तो फिर वो हजूर पाक के जमाने में भी जादू था ना, फिर वो लोग फिर बड़ा कहते हैं ना, फिर वो बड़ा कहेंगे कहेंगे फिर सही है ये जादू है, वो जादू फिर ये जादू है वो भी जादू था, उस मुझे का इनकार हो जाएगा ना। बेशक हमें लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है, जो जो आलम हक हैं, आलम इंसाफ हैं, जिनके अंदर नूर है, हम उनके खादिम हैं। जो नूर से दूर हैं, जिनके अंदर शैतान नफ्स है, हमारा उनसे जा रहे हैं। उनके लिए हजूर पाक ने भी फरमाया कि जहल आलम से डरो और बचो। असावा ने पूछा आलम भी और जहल भी, आपने फरमाया जिसकी जुबान आलम और दिल सिया यानी जहल, अगर तुम इनके नजदीक जाओगे तो ये तुम्हें फितनों में मुब्तला कर। अब बात जरा मेहदी अलैहिस्सलाम की तरफ आते हैं। लंदन में एक शेख नाजम है जी जी, उनकी उम्र 80 साल के करीब है, 10,000 अमरीकनों को उन्होंने मुसलमान बनाया और बेशुमार यूरोपियन अंग्रेजों को भी उन्होंने मुसलमान बनाया। उनको विरदो वजायत और इल्म इस्तखारा के ऊपर अबूर है। उन्होंने कहा कि मेरा इल्म ये कहता है कि मेहदी अलैहिस्सलाम 1-2 साल में जहर हो जाएंगे, लेकिन ये उलमा सू उनकी सख्त मुखालफत करेंगे। और ये भी कहा कि मेहदी अलैहिस्सलाम खुद नहीं कहेंगे कि मैं मेहदी हूं, लोग उन्हें पहचानेंगे। अल्लाह, अभी डॉक्टर शरार अहमद उनकी भी खबर सुनी, उन्होंने भी कहा कि हदीसों और किताबों के इलम की रोशनी में मालूम होता है, बल्कि यकीन है कि मेहदी अलैहिस्सलाम जहर होने वाले हैं। और हम भी कहते हैं, वो तो कहते हैं जहर होने वाले हैं, हम कहते हैं वो जहर हो चुके हैं। शाही मेरा शाही गौहर शाही गौहर शाही तीन नबी का सच्चा दाई गौहर शाही जहान बजे की सूरत आई गौहर शाही गौहर शाही बन के मस्त पलंग रहेंगे गौहर तेरे संग रहेंगे। हम कहते हैं कि इमाम मादी जहर हो चुके हैं,
जितने भी वली हैं सबको उनको बता दिया गया है, उनकी सूरत दिखा दी गई है कि ये तुम्हारा इमाम मेहदी है। अल्लाह, वो तुम्हारे ही पाकिस्तान में एक दीनी जमात के राबर है। अल्लाह, वलियों को पता चल चुका है, सब वलियों को पता चल चुका है। अब अल्लाह ताला उनके लिए ऐसे काम कर रहा है जिसको हर किसी को तस्लीम करना पड़ेगा। अल्लाह, हर किसी को तस्लीम करना पड़ेगा। अब चूंकि इमाम मेहदी आ चुके हैं, उनका साथ भी देना है, तो साथ कौन देगा, उनको पहचानेगा कौन? वो जिन लोगों के दिलों में नूर होगा, नूर जब नूर के सामने जाएगा तो उसका बत्ती हो जाएगा ना, नूर को नूर से निस्बत है ना। जब तुम्हारे दिलों में अल्लाह ने शुरू हो जाएगी, तुम्हारे दिलों में अल्लाह का नूर हो जाएगा, जब फिर तुम इमाम मेहदी के सामने जाओगे तो फिर तुम्हारे